हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस है। यस, डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, देखिए 90 पैसे गिरावट के साथ 549.85 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। अगर यहाँ से देखा जाए मार्केट ऊपर जाने की संभावना कितनी है, नीचे आने की संभावना कितनी है, सपोर्ट कहाँ पर, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये टोटल सिर्फ फाइंड आउट करेंगे और पता करेंगे कि मार्केट किधर जाने की संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप। ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन रखा गया, नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन रखा गया और इस ट्रेंड लाइन के करीब में छोटा सा रेंज बना के फिर ब्रेक किया था, ऊपर चला गया था। ऊपर जाने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ चलाया। तो यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस नीचे आया, फिर यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आया। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया बट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के करीब में नहीं पहुंचा, उसके पहले सेलर एक्टिव और नीचे की तरफ आ गए। मे भी 1500, 520 या 515 करीब में आने दीजिए। यहाँ से कोई डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न या कोई रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, हाँ, बट लो को ब्रेक नहीं करना है। वी टाइप पैटर्न रिवर्सल करता है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता 580 के ऊपर या ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब तक उसमें आप एंट्री मत बनाइएगा क्योंकि ये जोखिम भरा रहेगा। तो यहाँ पे जाता है 515 520 करीब में कोई रेंज बनाता है और यहाँ से रिवर्सल देता है, तो आप एंट्री बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो इसमें नजर बना के रखिए, जैसे ही आपको मौका मिलता है ऊपर या नीचे बाई करने का, जब तक कोई रेंज नहीं बढ़ा तब तक उसमें बाई नहीं करना है, ये समझ लीजिए। तो इसमें इतना ही है, मिलता है अगले वीडियो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।